हेलो फ्रेंड, दिस इज रूपेश। आपका स्वागत है बहुत बड़ी अपडेट के साथ। तथा पटवारी की परीक्षा का डेट आगे बढ़ेगी या नहीं, क्या 17 अप्रैल को पटवारी एग्जाम होगा या नहीं, पूरी जानकारी इस वीडियो पर देखिए। यहाँ पर पटवारी का एग्जाम 10 अप्रैल को किया गया था, लेकिन रामनवमी का त्यौहार के कारण 17 अप्रैल को किया गया है। यह विद्यार्थी असमंजस में है कि पटवारी का एग्जाम 17 अप्रैल को होगा या नहीं, डेट आगे बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर 17 अप्रैल को त्यौहार पड़ रहा है। तो सबसे पहले कोई एक नई वैकेंसी के बारे में जारी हुआ है उसको पहले देखेंगे, इसके बाद पटवारी के एग्ज़ाम को लेकर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर एक नई भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसकी अंतिम तिथि 11 अप्रैल को होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे आपको व्यापम PSC से रिलेटेड वीडियो अपलोड होते रहते हैं। इस चैनल पर आपको पटवारी की तैयारी भी कराया जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं पटवारी की तैयारी करने के लिए। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, सीधी भर्ती हेतु एक विज्ञापन जारी हुआ है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि आपको देख सकते हैं 11 अप्रैल 2022 को शाम 5 बजे तक। देखिए यहाँ पर कुटुंब न्यायालय बिलासपुर की स्थापना में निम्नानुसार पद स्टेनोग्राफर हिंदी सहायक ग्रेड 3 एवं वाहन चालक के रिक्त पदों की सीधी भर्ती हेतु एक विज्ञापन जारी किया गया है। रिक्त पदों का विवरण चलिए जल्दी से देख सकते हैं। यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि कौन कौन से रिक्त पद हैं, तो चलिए पद का नाम देख लेते हैं। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 2 पोस्ट दिया गया है। सहायक ग्रेड 3 टाइपिस्ट अधिशिका लेखक के लिए 3 पोस्ट दिया गया है। वाहन चालक के पदों की संख्या 2, यानी कि टोटल यहाँ पर पदों की संख्या 7 है। अब बात करेंगे भर्ती की पात्रता एवं शर्त के बारे में। तो स्टेनोग्राफर हिंदी के पद के लिए छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत मैट्रिक लेवल यहां पर आप देख सकते हैं 28,700 रुपये से लेकर 91,300 रुपये है। अब शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45 एवं आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र। इसके बाद समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन एवं मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र या किसी विश्वविद्यालय या फिर राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि DCA प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ल्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना आवश्यक है। इसके बाद सहायक ग्रेड 3 संवर्ग के लिए देखते हैं, 2 पद टाइपिस्ट के लिए और 1 पद प्रोसेसर राइटर के लिए दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ के वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत वेतन एवं मैट्रिक लेवल है यहाँ पर 19,500 रुपये से लेकर 62,000 तक। शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 45 वर्ष एवं आरक्षित वर्ग न्यूनतम के लिए 40% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके बाद हम पटवारी की चर्चा करेंगे कि 17 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा या नहीं, चलिए देखते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बनी रहेगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप पटवारी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस बुक से तैयारी कर सकते हैं, चक्षु प्रकाशन की। देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ पटवारी के दिया गया है भर्ती परीक्षा 2022। यहाँ पर 3,000 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और स्टडी गाइड में आप देख सकते हैं तीन वर्ष का सॉल्वेंट पेपर है 2016, 2017 और 2019 का। इसके लिए आप देख सकते हैं सिलेबस। इसके बाद जो चक्षु प्रकाशन की बुक है इसका आप सिलेबस देख सकते हैं। सॉल्वेंट पेपर दिया गया छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती परीक्षा 2019 का। हल प्रश्न परीक्षा की तिथि आप देख सकते हैं। इसी प्रकार 16, 17, 19 का सॉल्वेंट पेपर रहेगा और कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान यहाँ पर पटवारी का सिलेबस इस बुक में पूरा दिया गया है चक्षु प्रकाशन के बुक में। तो आप इस बुक की तैयारी भी कर सकते हैं और स्टडी गाइड भी है क्वेश्चन पेपर के लिए। अब चलिए अब विज्ञापन के बारे में बात करते हैं जो दिया गया है एक भर्ती के साथ। यहाँ पर आयु सीमा की बात करते हैं, तो अभ्यर्थी के आयु सीमा दिनांक आप देख सकते हैं 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो किंतु 30 वर्ष से अधिक ना हो। ओके, अब इसके बाद बात करेंगे सीमा और शर्त, उसके बाद सिलेबस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर छूट के बारे में बात कर लेते हैं, तो अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष एवं 5 वर्ष की छूट होगी। इसके बाद जो आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिनांक 11/4/2022 यानी कि 11 अप्रैल 2022 को संध्या 5 बजे तक आप बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद स्टेनोग्राफर हिंदी सहायक ग्रेड 3 वाहन चालक के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो
कुटुंब न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ कार्यालय में रखे बॉक्स में आप डालकर पंजीकृत या स्पीच पोस्ट के माध्यम से आप प्रेषित कर सकते हैं। इसके बाद देखिए पूरी विज्ञापन की जानकारी के लिए आप कार्यालय जिला न्यायालय बिलासपुर के शासकीय पूरी जानकारी देख सकते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं सहायक ग्रेड 3 के लिए लिखित परीक्षा यहाँ पर होगा। सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, इंटरनेट, छत्तीसगढ़ समसामयिक इत्यादि विविध विषयों के बहुकल्पीय प्रश्नों का जैसे 50 प्रश्नों का लिखित परीक्षा लिया जाएगा। इसके प्रश्न पत्र पर एक अंक निर्धारित होंगे। परीक्षा की अवधि 60 मिनट यानी कि एक घंटे का होगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा, है ना, और वर्गवार रिक्त पदों को 5 गुना अभ्यर्थी का कौशल परीक्षा में लिए आवेदित किया जाएगा। अब कौशल परीक्षा की बात करते हैं तो उम्मीदवार को लगभग 250 शब्द हिंदी का गद्यांश, समय 10 मिनट सीमा शुद्ध दिया जाएगा, टाइप करना होगा, त्रुटि के लिए आधा अंक काटा जाएगा और यहाँ पर कौशल परीक्षा 100 अंकों का होगा। इसी प्रकार वाहन चालक के लिए आप देख सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पटवारी चयन परीक्षा की तिथि बदली, छात्र असमंजस में है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम ने पटवारी चयन परीक्षा की संशोधित तिथि जारी की है। व्यापम द्वारा निर्देश के अनुसार 10 अप्रैल को आयोजित की जाने वाली परीक्षा 17 अप्रैल को होगी। छात्रों का कहना है कि 10 अप्रैल को रामनवमी थी, इसलिए व्यापम के अधिकारियों ने परीक्षा स्थगित कर दी थी और 17 अप्रैल को इष्ट पर्व है, तो इष्ट पर्व के दौरान परीक्षा का आयोजन किस तरह होगा। देखिए यहाँ पर अगर व्यापम से अगर आवेदन की सूचना जारी करता है तो शायद डेट बढ़ा सकते हैं, या लेकिन व्यापम की तरफ से अभी कोई आवेदन नहीं आया है तो आप 17 अप्रैल को ऐसा मानकर तैयारी कर सकते हैं कि 17 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा पटवारी का, तो आप तैयारी करते रहें। जैसे ही इसकी सूचना मिलती है तो आप सभी को मैं इस वीडियो में बता दूँगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।